guys and welcome back to my channel जिसका नाम है English and Hindi. So class 12 students आइए देखते हैं writing section का एक और question जो किस पे होता है that is article writing. तो क्या है article writing और क्या है इसकी exam के अंदर weightage कितने number का आता है. So अगर बात करें class 12 की तो ये आता है आपके 10 नंबर का और अगर 9-10 की बात करें तो ये होता है 8 नंबर का. ठीक, तो अगर मैं बात कर रही हूँ क्लास 12 के लिए तो दिस इज ऑफ 10 मार्क्स क्वेश्चन और 10 मार्क्स बहुत ज्यादा हाई वेटेज क्वेश्चन है ये. तो पहले देखते हैं मार्किंग स्कीम की भाई कितने नंबर किस चीज के हैं. 10 मार्क्स पहला होता है आपका फॉर्मेट के लिए, दैट इज 1 मार्क्स फॉर योर फॉर्मेट. और फॉर्मेट में भी क्या कि आपकी हेडिंग आएगी और उसके नीचे आपका नाम बाय वट एवर योर नेम इज. ठीक, नेक्स्ट इज योर कंटेंट. कंटेंट मतलब आपकी बॉडी, बॉडी में आपने कितने पैराग्राफ डाले हैं, कितने सही डाले हैं, दैट इज योर कंटेंट पार्ट. वो कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का. लास्ट इज योर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कितने मार्क्स की होती है आपकी? 5 मार्क्स की होती है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन के अंदर भी क्या क्या चीजें आती है मैं बता देती हूँ. यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई कंटेंट से भी ज्यादा वेटेज है एक्सप्रेशन की. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करो, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आपके सेंटेंसेस प्रॉपर होने चाहिए, जो भी आपने आइडियाज या थॉट आपने डाले हैं उसके अंदर, आपके आर्टिकल के अंदर, वो सारे ठीक होने चाहिए. जैसे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फर्स्ट स्पेलिंग्स, रेलिवेंस ऑफ आइडियाज की आपके टॉपिक से रिलेटेड कितना आपने आपके आर्टिकल के अंदर लिखा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो पहले देखते हैं, ये थी आपकी वेटेज. आई गेस समझ आ गई होगी कि भाई आपको एक्सप्रेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए बच्चों के नाम नहीं मतलब बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कंटेंट हमारा ज्यादा और अच्छा होना चाहिए. नहीं, आपकी एक्सप्रेशन सही होनी चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी सही होनी चाहिए. तो आइए देखते हैं व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग. An article is a piece of writing. एक आर्टिकल एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है written for a large audience, जो बहुत लार्ज ऑडियंस के लिए लिखा जाता है. The main motive is to open the brains of people. इसका main motive क्या होता है? जिससे लोगों का दिमाग खुल सके. खुल सके मतलब खुलना नहीं, ये होता है कि भाई इसको पढ़ के लोगों की thought process या जो thinking है हम उसको किसी हद तक जाके change कर सके. तो आपका आर्टिकल इतना अच्छा होना चाहिए, उसमें थॉट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि सामने वाले की थिंकिंग या उसका माइंड ओपन आप कर सकते हो थ्रू योर राइटिंग. मतलब जो आपने लिखा है उससे मोटिवेट हो कि वो कोई काम करे. ठीक है, एज टू मेक अ डिफरेंस. सॉरी, द मेन मोटिव इज टू ओपन द ब्रेन्स ऑफ पीपल एज टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंस बनाने के लिए. जैसे अगर मैं गर्ल एजुकेशन पे एक आर्टिकल लिखती हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो लोगों को समझ आएंगे और शायद मैं उनकी थिंकिंग सॉर्ट ऑफ चेंज कर सकती हूँ. तो दिस इज व्हाट योर आर्टिकल राइटिंग इज. तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टिप्स टू राइट एन आर्टिकल, कि क्या टिप्स है, क्या आपको याद रखना है व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल. सबसे पहला पॉइंट, स्टडी केयरफुली द हिंट्स और पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल और विजुअल इनपुट. वर्बल मतलब अगर आपको आपके क्वेश्चन के अंदर हिंट्स दे रखी हो, चीजें बता रखी हो कि ये चीजें हैं, अब आपको इस पे एक आर्टिकल लिखना है, दैट इज योर वर्बल. विजुअल मतलब आपके सामने कोई डेटा दे रखा है, जैसे गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करूं तो वो कितना डिक्रीज हो रहा है या कितना इंक्रीज हो रहा है, उसके थ्रू मैं आपको एक ग्राफ बना के दूं. अब मैं बोलूं इस ग्राफ की मदद से आप ये चीज लिखो कि आप एक आर्टिकल मुझे लिख के दिखाओ, दैट इज योर विजुअल, जो चीज आपको दिख रही है. कोऑर्डिनेट योर आइडियाज विद द हिंट्स एंड पॉइंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कोऑर्डिनेट योर आइडियाज, कि आपकी आइडियाज ऊपर वाले हिंट से या क्वेश्चन में जो भी टॉपिक है उससे मिलने चाहिए. ऐसे नहीं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स लिखो कुछ भी, दैट इज नॉट राइट. नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी इन 2 पैराज और 3 पैराज. योर आर्टिकल शुड बी इन 2 पैराज और 3 पैराज. अगर आपका आर्टिकल 2 में है तो भी चलेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल होना चाहिए 3 पैराज के अंदर. 3 पैराज इज माय प्रेफरेंस और आई विल सजेस्ट कि आप 3 ही लिखो. ठीक, स्टार्टिंग शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक. आपका स्टार्टिंग का पैराग्राफ क्या करना चाहिए, आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. अगर किसी चीज को आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो कैसे पता पड़ेगा कि आपका आर्टिकल किस टॉपिक के ऊपर है. नेक्स्ट इज योर लास्ट, द कंक्लूजन एंड सोल्यूशन.
तो जो आपके लास्ट पैरा होगा वो क्या होगा, कंक्लूजन का और सोल्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट दैट इज 150 to 200 वर्ड्स। नाउ यू डोंट हैव टू एक्सीड द वर्ड लिमिट। ऐसे नहीं कि आपकी थिंकिंग या आपके थॉट्स और आइडियाज इतने वास्ट है, इतने बड़े कि भाई वो आपके आर्टिकल में समा ही नहीं रहे हैं, तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। आपकी वर्ड लिमिट 150 से लेके 200 वर्ड्स पे ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज सिंपल एंड करेक्ट ग्रामर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज अ सिंपल एंड करेक्ट ग्रामर। अगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखो, नए नए वर्ड्स लिखो या कुछ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा इंसान पढ़े जिसकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है या वो उससे समझ में थोड़ी दिक्कत है, तो यू कैन यूज सिंपल इंग्लिश जिससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कम हो और आपका आर्टिकल सिंपल और करेक्ट हो, जिससे कोई भी पढ़े तो वो उसको रिलेट कर सकता है या उसको समझ सकता है। राइट, दिस वॉज योर लास्ट पॉइंट। अब एक चीज यहाँ पे मैं क्या बोलने वाली थी कि आपको वर्ड लिमिट में ये रखना है कि अगर आप पैराग्राफ फर्स्ट थोड़ा छोटा रखो और पैराग्राफ नंबर सेकंड थोड़ा बड़ा रखो तो वो चीज ठीक होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड पैराग्राफ अपन का मेन पैराग्राफ होता है, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन और लास्ट आपका कंक्लूजन। बीच के पैराग्राफ में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है आपके आर्टिकल के अंदर। अब समझने के बाद कि आर्टिकल होता क्या है, मार्किंग क्या है, टिप्स क्या है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपको आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले एग्जाम्पल है, मेरा टॉपिक है आर्टिकल का फॉर्मेट। अगर पूछ रहे हो तो सिर्फ दो चीजें हैं, फर्स्ट यू हैव टू राइट द हेडिंग और टॉपिक का नाम, और वो आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि एक नंबर है आपके फॉर्मेट में। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपका नाम होगा, टॉपिक होगा तो आपको एक नंबर मिल जाएंगे? नहीं, आपका जो हेडिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतनी कैची होनी चाहिए कि उसका ध्यान जाते ही आपको मैडम या आपके सर जो भी है पूरे एक में से एक नंबर दे यहाँ पे। ठीक, तो मेरा टॉपिक क्या है, सेम क्वार्टर आर वी डूइंग इनफ। तो मैंने हेडिंग के अंदर ही एक क्वेश्चन रेज कर दिया, तो दिस इज अट्रैक्टिव। राइट, बाय जो भी आपका नाम हो, जिसका भी जो नाम हो वो यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने मेरे आर्टिकल को तीन में रखा है, मैंने पहले भी बोला था तीन में ही रखना अच्छा लगेगा या एप्रोप्रिएट रहेगा। फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्शन। मैं सेफ वाटर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ कि भाई क्यों आजकल, मतलब पानी क्यों जरूरी है, पानी को बचाना क्यों जरूरी है, हमें क्या क्या फ्यूचर जो खराब चीज है वो हमें फेस करने को पड़ेगी अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे। तो ब्रीफ स्टेटस ऑफ द इशू कि क्या स्टेटस है इशू का वो, और अगर आप चाहो तो यू कैन रेज क्वेश्चंस इन योर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट कि आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि व्हाई वी आर नॉट सेविंग, या फिर आप कुछ स्लोगन कर रहे हो, जल ही जीवन है जैसे एक स्लोगन है पानी के ऊपर, तो वैसे कर रहे हो तो ये आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, क्योंकि टीचर का मेन ध्यान ही पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पे जाता है। नेक्स्ट इज योर टॉपिक एनालिसिस। सेकेंड पैराग्राफ में आपको आपके टॉपिक को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है, टॉपिक का एनालिसिस करना है। तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, डिस्कस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि जो भी आपका टॉपिक है अगर आप उसको बचाने की बात कर रहे हो तो उसको बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ इट इज अफेक्टिंग अस कि जो भी टॉपिक है वो किस तरीके से लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है या गुड इफेक्ट है, वट एवर इट इज, तो वो आपको सेकेंड पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करना है। और सेकेंड पैराग्राफ की लेंथ बड़ी होगी कंपेरेटिव टू योर फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ इज योर कंक्लूजन पार्ट, जिसमें आपको बताना है कि आप अपने आर्टिकल को किस तरीके से कंक्लूड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, कि क्या सोल्यूशंस हैं, क्या लोगों को करना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लोग ले सकते हैं उसको पानी को बचाने के लिए, जैसे सजेस्ट व्हाट कैन बी डन टू सेव वॉटर। नेक्स्ट इज योर एंड विथ नाइस अट्रैक्टिव लाइन्स, तो आपको आपके आर्टिकल को लास्ट के अंदर नाइस और अट्रैक्टिव लाइन्स के साथ, ब्यूटीफुल लाइन्स के साथ एंड करना है। वो चीज आपने सुनी होगी कि जो मैम होती है कि वो स्टार्टिंग की लाइन्स पढ़ती है और एंडिंग की लाइन्स पढ़ती है, ये चीज सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में अपन कुछ भी लिखते हुए जाएंगे। आपकी स्टार्टिंग की लाइन्स अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और आई विल सजेस्ट कि इसको बहुत अट्रैक्टिव बना, दैट इज योर हेडिंग टॉपिक पार्ट। आप इसको किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया, आप कुछ भी बनाओ कुछ ऐसा जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, कॉमन तो सबको ही कर लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। सो गाइज, दिस कम्प्लीट्स माई वीडियो ऑन द टॉपिक आर्टिकल राइटिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई